Good morning, class. Today we are going to solve some extra questions of chapter 4 shorting materials into groups. So, let's start. 1. What do you mean by classification? Answer Classification is the grouping or shorting together of things possessing similar or dissimilar characteristics or properties. क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं ग्रुपिंग करते हैं ठीक है और शॉर्टिंग करते हैं ठीक है बहुत सारी अगर सिमिलर थिंग्स हैं या डिसिमिलर कैटेगरीज के बेसिस में उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है उसकी क्या जरूरत है आंसर क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेकेंड शॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट शॉर्टिंग मतलब कौन सा आपको खरीदा है अगर कुछ बोरो करने जा रहे हैं आप लोग शॉप में तो आप वहां पे क्या चूज करने के लिए क्या करोगे शॉर्टिंग यूज करोगे वहां पे क्लासिफिकेशन होता है शॉप में थर्ड लोकेटिंग थिंग्स किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए एंड फोर्थ वन अंडरस्टैंडिंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एमउ ऑब्जेक्ट क्या सिमिलरिटीज़ है क्या डिसिमिलोरिटीज है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फिफ्थ मेकिंग द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इजी एंड मोर कन्वीनियंट ठीक है Fifth, अगर आपका क्लासिफिकेशन होगा वहां पे तो आप जो टू ऑब्जेक्ट की जो स्टडी है उसको बहुत अच्छे से इजिली कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर छठ ऑन वॉट बेसिस आर द वेरियस कैरेटिस्टिक्स ग्रोप्ड कौन से बेसिस में आप ऑब्जेक्ट को ग्रोप करते हैं वो कौन सी कैरेक्टिस्टिक्स होती है कौन सी प्रॉपर्टीज होती है आंसर द ग्रोपिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट कैन बी डर्न ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स ठीक है तो जो ग्रोपिंग होती है वेरियस ऑब्जेक्ट की वो हम लोग फॉलोइंग कैरेक्टिस्टिक्स के बेस में करते हैं कौन सी फॉलोइंग है फर्स्ट है साइज सेकेंड वन इज शेप थर्ड वन इज कलर फोर्थ वन इज एप्रियंस मींस लश्चर शाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट शाइनिंग है या नहीं है लश्चर है या नॉन लश्चरस मटेरियल है फिफ्थ वन इज हार्डनेस और सॉफ्टनेस सिक्स वन इज सोल्यूबिलिटी इन वॉटर सोल्यूबिलिटी उसकी चेक करते हैं इन सोल्यूबल है सोल्यूबल है मिसिबल है, है या इमिसिबल है ठीक है सेवेंथ वन इज बायोसी वो फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट या सिंक करेगा एंड द एथ वन इज ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी मीन्स ट्रांसपेरेंस मटेरियल है ट्रांसलूसेंट मटेरियल है या फिर ओपेक मटेरियल है क्वेश्चन नंबर फोर वाई डू वी नीड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी है ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट करने के लिए क्लासिफिकेशन करने के लिए ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट हेल्प टू अरेंज देम इन अ सिस्टमैटिक ऑफ ठीक है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग कर देते हैं तो वहां पे आप क्या कर सकते हो उसको अरेंज कर सकते हो सिस्टमैटिक मैनर में द ऑब्जेक्ट व्हेन ग्रुप्ड आर इजी टू हैंडल जब ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रुप्ड रहते हैं ठीक है ग्रुप में प्रेजेंट है तो वो आपको क्या कर सकते हो उसको ईजिली हैंडल कर सकते हो वेन ग्रुप्ड इट इज इजी टू नो द प्रोपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लियरली अगर वो ग्रुप्ड है तो उसकी जो प्रोपर्टीज है ऑब्जेक्ट की वो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो ऑब्जर्व कर सकते हो ग्रुपिंग ऑल्सो मेक इजी टू कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट अगर ग्रुपिंग होगी तो आप टू ऑब्जेक्ट के बीच में उसकी प्रोपर्टीज के बेसिस में उसको कंपेयर कर सकते हो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव वाय इज वॉटर इम्पोर्टेंट फॉर अवर बॉडी बॉडी के लिए वॉटर क्यू इम्पॉर्टेंट है आंसर वॉटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजर्व लार्ज नंबर ऑफ सबस्टांसेस ठीक है वॉटर क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसकी बॉडी की फंक्शनिंग में बिकॉज इट कैन डिजोल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटांसेस लार्ज नंबर ऑफ सब्सटांसेस को वो डिजोल्व कर सकता है सोल्ट को डिजोल्व कर सकता है शुगर को डिजोल्व कर सकता है प्रोटीन है फैट्स है ये सब किस में डिजोल्व हो जाते हैं आपके वॉटर्स में क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई इज वॉटर कॉल्ड यूनिवर्सल सोल्वेंट वॉटर को यूनिवर्सल सोल्वेंट क्यों बोलते हैं आंसर द प्रॉपर्टी ऑफ वॉटर टू डिजोल्व लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल मेक इट अवर्सल सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है वॉटर की कि वो क्या कर सकता है बहुत सारे मटेरियल को डिजोल्व कर सकता है इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन वाई इज अ टम्बलर नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ जो टम्बलर है टम्बलर मतलब टप टाइप का है ठीक है उसको पीस ऑफ क्लॉथ से क्यों नहीं बनाते टम्बलर किससे बनता है प्लास्टिक से वाइट इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक आंसर दिस इज बिकॉज वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड अ टम्बलर मेड अप ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ कैन नॉट बी यूज टू कीप वॉटर सो अ टम्बलर इज मेड विद अ मटेरियल विच हैज अ प्रॉपर्टी टू होल्ड द लिक्विड ठीक है अगर टम्बलर पीस ऑफ क्लॉथ से बनाएंगे कपड़े से बनाएंगे तो उसमें आप वाटर कैप्च नहीं कर सकते ठीक है वाटर उसमें स्टोर उस नहीं रहेगा इसलिए टम्बलर आपको ऐसे मटेरियल से बनाना होगा जिसकी प्रॉपर्टी हो कि वो वाटर को होल्ड कर सके इसलिए हम टम्बलर किससे बनाते हैं प्लास्टिक से कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट नीम टू गैसेज ईच विच आर सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल इन वॉटर ठीक है Here you can answer the टू गैसेस आपको दो गैसेस के नाम बताने हैं जो कि वॉटर में सोल्यूबल है और इन सोल्यूबल है आंसर गैसेस सोल्यूबल इन वॉटर आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू ऑलरेडी नो डैट ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वॉटर ठीक है द फॉर्मुला ऑफ वाटर इज एच टू ओ मीन्स ऑक्सीजन इज वेरी वेल डिजोल्व इन वाटर बहुत अच्छे से ऑक्सीजन जो है आपके वाटर में डिजोल्व होती है एंड सेकेंड गैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर गैसे इन सोल्यूबल आर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होती है ये क्या होती है इनसोल्यूबल गैसेज है ये वाटर में डिजोल्व नहीं होती हैं क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट डू वी कॉल अबस्टांस डेट इज यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट उस सब्सटेंस का नाम बताना है क्या आप उसको बोलोगे जो कि ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज होता है आंसर वॉज मटेरियल मटेरियल इज अ सब्सटेंस डेट इज यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट मटेरियल यूज करते हैं एज अ सब्सटेंस के रूप में जो कि क्या बनाता है ऑब्जेक्ट बनाता है क्वेश्चन नंबर टेन वाई सम मटेरियल्स लाइक आयरन और कॉपर लूज देयर लश्चर ऑन एक्सपोजर्स टू एयर सम मेटल्स आपने देखे होंगे फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड कॉपर ठीक है लश्चर लूज कर देते हैं फर्स्टली ये दे शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं और दे लूज ऑन एक्सपोजर टू एयर जैसे ही वो एक्सपोज होते हैं एयर में उनकी जो लश्चर प्रॉपर्टी होती है शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है वो लूज अप हो जाती है आंसर आयरन एंड कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म अ रस्टेड और अ अडेड लेयर ऑन इट्स सरफेस आयरन एंड कॉपर जैसे ही एक्सपोज होते हैं एयर में तो एयर की जो ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे विल फॉर्म अ रस्टेड लेयर आयरन की एक लेयर बना लेते हैं जंग लग जाता है उसमें ऑन इट सरफेस

डी ऑब्जर्व डेट सबस्ट सब सबस्टांसिसंक इन वॉटर आपको पता है कुछ सब्सटांसेस जो होते हैं डूब हो जाते हैं, हैं पानी में एंड द अदर वन इट्स फ्लोट ऑन वॉटर कुछ सबस्टांस होते हैं जो की वॉटर में फ्लोट करते हैं तो वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस इसके पीछे रीजन क्या है आंसर सबस्टांसिस विच हैव डेंसिटी मोर देन वॉटर वो सबस्टांसिस जिनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है वॉटर से ज्यादा है सिंक इन वॉटर वो वॉटर में सिंक हो जाएंगे वॉटर में डूब जाएंगे बट सब्सटांसेस विच हैव डेंसिटी लेस देन वॉटर वो सबस्टिस इनकी डेंसिटी जो है वॉटर के कंपेरिजन में क्या है कम है लेस है तो वो क्या करेंगे वॉटर के लेयर के ऊपर फ्लोट्स करेंगे ठीक है डेट विच फ्लोट्स ऑन वॉटर दैट इज ऑल अबाउट योर टूडेज क्लास Chapter 4 finished.